आवाज देता है वहीं से फिर कोई, जहां छोड़ाया हूं कुछ कांच के टुकड़े, कुछ यादें, कुछ कहानियां। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी राजेंद्र भट्ट आपको सुनाता हूं हर बार एक नई कहानी। मेरे लेखक साथियों की नई नई कहानियां सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कीजिए। इस बार जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, उसको लिखा है शब्दों के मसीहा केदारनाथ ने। कहानी का शीर्षक है मछली की जात। अरे सुनो, आज हमारे समाज कल्याण मुखिया पधार रहे हैं, हर चीज का अच्छे से इंतजाम होना चाहिए। यहाँ के लिए किसी भी तरह फंड आज रिलीज करवाना है उनसे, समझ गए ना? वो अपने छुट भैया नेता से बोला, सर आपका पुराना चेला हूं, पहले भी क्या कभी कोई कमी छोड़ी है मैंने अपने इंतजाम में? अरे जानता हूं, तभी तो ये काम तुम्हें सौंपा है। वैसे क्या क्या इंतजाम कर रहे हो तुम? सर विदेशी दारू है, चिकन, फिश करी, चपातियाँ, सलाद और क्या बताओ, और 100 मछलियाँ हैं सर, कमाल की चीज़ है। बस रंग जरा काला है, ससुरी गरीब है, रिजर्व से जो है। तुम भी कमाल करते हो यार, मछरिया से मतलब है देह पे क्या जात लिखी होती है? पूछेंगे तो बता देना कोई ऊंची जात, वो खिसियाते हुए बोला। दोस्तों आज के हालात पर चोट करती ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। इसी के साथ अपने इस साथी को इजाजत दीजिए, नमस्कार।